मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम कोठीदा में बना 304 करोड़ रुपए का कारम बांध अब बर्बादी की कगार पर है। इस बांध में दरारें आ गई हैं, जिससे यह पूरे क्षेत्र के लिए खतरे का संकेत बन चुका है। अगस्त 2022 में जब बांध में रिसाव हुआ था, तब प्रशासन ने बांध के टूटने के डर से कई गाँव को खाली करवा दिया था, लेकिन उसके बाद से बांध की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और इस पर खर्च हुए करोड़ों रुपए अब तक बर्बाद होते दिख रहे हैं। आजादी के 77 साल बाद भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में विकास का यह हाल है। धार जिले का कारम डैम एक बार फिर से चर्चा में है। 14 अगस्त 2022 को इस बांध के मिट्टी वाले हिस्से में कटाव होने के कारण आपदा का पानी बहा दिया गया था। उस वक्त बांध पूरी तरह से भरा हुआ था, जिससे न सिर्फ पानी बह गया बल्कि 10,500 हेक्टेयर में सिंचाई की उम्मीदें भी ध्वस्त हो गई थी। सरकार ने बांध को ठीक करने का वादा किया था, लेकिन 2 साल बाद भी यह काम अधूरा है। अगर इस बीच बांध की मरम्मत कर ली जाती तो बीते 2 वर्षों की बारिश का लाखों गैनल पानी सहेजा जा सकता था। इससे धारमपुरी ब्लॉक के 27 गाँव, उम्रबन के 7 और महेश्वर तहसील के 8 गाँव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकता था। इसके अलावा ओमकारेश्वर परियोजना की नहर फेज 4 से जुड़े किसानों को भी लाभ मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बांध में आई दरारों की शिकायतें कई बार की गई, जिसके बाद अब जाकर जांच शुरू की गई है। विभागीय जांच पूरी हो चुकी है और केंद्रीय जल आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। इसके आधार पर आगे का काम होना है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के बांध को ठीक करने का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।